ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगत पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है कह सकते हैं कि टाइटल में या फिर वीडियो के सामने अभी कह सकते हैं आम देखकर चौंक गए होंगे, भाई एजुकेशनल वीडियो में मतलब आम कहां से आ गया। खैर, आपके मुँह में अगर पानी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप मार्केट में आम अवेलेबल है, आप उसे खरीद कर खा सकते हैं। एनीवे, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम। देखिए, इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम कुछ मूल्यता जो हम इसकी जो मेन बिंदु है वो है, अगर एक लाइन में बताऊं तो भारतीय आम का प्रचार प्रसार करना और इसे कह सकते हैं एज ए प्रोडक्ट जो है विदेशों में सप्लाई करके बेचना, जिससे कि यह फार्म इनकम जो है अधिक बढ़ सके और फार्मर्स इससे जो है मुनाफा कमा सके। मेन जो है अगर एक दो लाइन में इसको सम अप करूँ तो। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी लॉन्ग इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम बिगेन इन बहरीन। ठीक है जी, बहरीन यूरोपियन जो है एक सिटी है। खैर, बहरीन हो गया आपका, आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार जो है जर्मनी वगैरह या फिर यूरोपियन हो गया, फिर या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, या फिर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, या जितने भी पूरे वर्ल्ड ओवर में मतलब पूरे विश्व में भारतीय आम को प्रमोट करने के लिए, उसे बेचने के लिए जो है एक प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में बहरीन जो है उसमें भी जो है मैंगो के प्रमोशन को प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें कि 16 वेराइटीज़ के आर्म्स को दर्शाया गया, जिसमें कि 3 GI टैग जो थे मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है सर्टिफाइड जो है उनको भी दिखाया गया, जिसमें है खिरसापति एंड लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है एंड जारडुलाऊ बिहार का। ठीक है जी, ये दो जो है और 3 जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग के साथ, GI टैग के साथ जो पॉपुलर है उसे वहाँ दिखाया गया, साथ साथ 16 वेराइटीज़ के 16 प्रकार के आमों को दर्शाया गया। तो सोल्ड थ्रू 13 स्टोर्स और 13 स्टोर में जो है इसे सोल्ड किया गया, बेचने का प्रयास किया गया है बहरीन में। ठीक है जी, तो मैंगोज वेयर सोर्स्ड फ्रॉम फार्मर्स इन बंगाल एंड बिहार बाई एपेडा रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर। जो एपेडा रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है उसके तहत जो है मैंगो जो है सोल्ड किया जा रहा है, जो है आम बिहार का बंगाल का आम जो है वो एपेडा के तहत, एपेडा के जरिए जो है वह विदेशों में इसका जो है क्रय और विक्रय किया जा रहा है। तो मैंगोज आर प्रोसेस्ड बाय द एपेडा। देखिए, एपेडा जो है एक रजिस्टर्ड पैक हाउस फैसिलिटी है। ठीक है जी, अगर एपेडा क्या है तो एपेडा एक रजिस्टर्ड पैक हाउस फैसिलिटीज है एंड देन एक्सपोर्टेड टू वेरियस रीजन। इसके बाद जो है एक पैकिंग वगैरह करके मतलब आर्म्स को कार्टून वगैरह में पैक करके इसे सर्टिफाइड करके इसे टैग लगा के और इसे फिर देश विदेशों में सप्लाई करते हैं, इसे बेचते हैं। ठीक है जी, मतलब उसकी ये बेचने की फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट की, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके, किसानों को अधिक जो है इनकम जनरेट हो सके। ठीक है जी, एंड द कंट्रीज इंक्लूडिंग लाइक द मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, मैंने पहले ही बताया, जितने भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से भारतीय आमों का जो है प्रचार प्रसार हो और उसे अधिक से अधिक इम्पोर्ट किया जाए। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो है लीची बिहार की लीची जो है मुजफ्फरपुर की लीची को जो है वहाँ जो है यूके जो है वह एरोप्लेन के द्वारा बेचने का प्रयास किया गया है। तो यह आम है। ठीक है जी, एपेडा हैज बीन इनिशिएटिंग मेजर्स टू बूस्ट मैंगो एक्सपोर्ट फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स एंड स्टेट। देखिए, एपेडा का एक प्रयास किया जा रहा है कि मैंगो प्रोडक्शंस को पहले तो बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ बढ़ाने के बाद इसे एक्सपोर्ट किया जाए जो है नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स एंड स्टेट, और जितने भी जहाँ जहाँ आम नहीं भी होते हैं वहाँ वहाँ भी कलम वाला आम या फिर हाइब्रिड आम जो है वगैरह उपजाया जाए, उसे देश विदेशों में बेचा जाए। एपेडा हैज़ बीन कंडक्टिंग वर्चुअल बायर एंड सेलर मीट, और एपेडा के द्वारा वर्चुअल, जैसे कि कोविड-19 के द्वारा जो है शेयर जो है नहीं कह सकते हैं समिट किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े समिट्स वगैरह भी जो हैं वो कैंसिल कर दिया जा रहा है, सारा का सारा वर्चुअल समिट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो बायर और सेलर का जो है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा उसका बिक्री किया जा रहा है, एंड फेस्टिवल टू प्रमोट मैंगो एक्सपोर्ट, और तरह तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं ताकि मैंगो के जो आम के जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। एंड रिसेंटली ऑर्गेनाइज मैंगो फेस्टिवल इन बर्लिन और जर्मनी, और जर्मनी के बर्लिन में, बर्लिन एक शहर है जर्मनी का, उसमें भी एक मैंगो फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है एपेडा के द्वारा, जिससे कि भारत के आम के प्रचार प्रसार हो और भारतीय किसान इससे लाभान्वित हो सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सीजन इंडिया हैज शिप्ड कॉन्सिगमेंट ऑफ 2.5 मेट्रिक टन्स ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग सर्टिफाइड
Bangan Pillai and other varieties, Swarnarekha mango sourced from the farmer in Krishna and Chittor district of Andhra Pradesh recently. Dekhi, Andhra Pradesh jo hai Krishna and Chittor district se Swarnarekha and Bangan Pillai, theek hai ji, jo hai GI tag jo hai aam ka jo tha isko jo hai 2.5 metric ton export kiya gaya hai, theek hai ji, India se bahar. Aur ye kaun sa rajya mein hai, to Andhra Pradesh mein. The mango in India also referred as the king of fruits. Bharat ko aam ka raja kaha gaya hai, sabhi ko malum hai. Theek hai ji, referred as the kalpa vriksh matlab kalpa pata hai, bis granting trees jo aapki manokamnaon ko purna karte. Hamari jo pauranik kathaon mein iska varnan hai ki aam ke vriksh ko kalpa vriksh kaha gaya hai, jo hamari manokamna, hamara jo uddeshya, hamara lakshya, या फिर जितने भी कह सकते हैं कि हमारा जो ड्रीम होता है, एस्पिरेंट्स होता है, उसे फुलफिल करता है, विश को, विश मांगते हैं ना कि हमारी वो गर्लफ्रेंड से हमारी शादी हो जाए, हमारा कह सकते हैं कि आर्मी में जॉब लग जाए, या फिर हमारी विश, बहुत सारे विश होते हैं हमारे, जैसे फैमिली मेम्बर्स तीव्रगति से और बिजनेस में प्रोग्रेस करें, हमारा देश जो है और आगे बढ़े, सबके अपने अपने विश होते हैं, उसी विश को जो है इस कल्प वृक्ष के माध्यम से फुलफिल किया जाता है या मांगा जाता है, बहुत सारे फिल्मों वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है जी, तो व्हाइल मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया हैव मैंगोज प्लांटेशन, बहुत सारे स्टेट में जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में जो है आम की खेती की जाती है, आम का जो प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है जी, अल्फोंसो केशर एंड टोटापुरी एंड बंगला पलाई आर लीडिंग एक्सपोर्ट वेराइटीज फ्रॉम इंडिया, और ये जो वेराइटीज हैं ये बहुत ही लीडिंग एक्सपोर्ट है, इसका जो है देश विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है. मैंगो एक्सपोर्ट प्राइमरी टेक प्लेस इन थ्री फॉर्म, जो आम का जो है कह सकते हैं एक्सपोर्ट किया जाता है तीन फॉर्म में, तीन तरीके से. पहला है फ्रेश मैंगो, ये आम को आम की तरह ही सप्लाई कर देता है. दूसरा है मैंगो पल्प, मतलब उसको छील कर जो है भेजा जाता है. तीसरा है मैंगो स्लाइस, इसे स्लाइस बनाकर भेजा जाता है. देखिए आम वगैरह का जो बिहार झारखंड वगैरह में या फिर जो कॉमन एरिया में आम का पिकल्स अचार वगैरह भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, हमारे घर में बनता है, मौका मिला तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा. एनीवे ये आम का पौधा है, आम लगा हुआ है. तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई डाउट्स, कोई एडवाइस, कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. ये देखिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो था, भले ही मतलब वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है एजुकेशन के लिए, बट एक कह सकते हैं कि फार्मर्स इनकम को किस प्रकार से डबल किया जाए, फार्म इनकम को कैसे जनरेट किया जाए, रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक आप एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई आम कल्टिवेशन, मैंगो कल्टिवेशन के जरिए इसको एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराकर जो है फार्मर्स के इनकम्स को और बढ़ाया जा सकता है. तो ये ओवरऑल वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिहार झारखंड या बिहार बंगाल या आंध्र प्रदेश का आम जो है वो देश विदेशों में बिके, जैसे साहिल लीची जो है यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्ट हुआ, तो इन तमाम चीज़ों से जो है रूरल इकोनॉमी जो है वो उसको बूस्ट मिलेगा. सो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो डैट मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके. आज के लिए इतना ही, सो डैट्स ऑल वंस अगेन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.